VUCPL Module 5 Microsoft PowerPoint 2010 Introduction. आज से कुछ अर्सा पहले जब हम अपनी कोई चीज प्रेजेंट करते थे, मसलन अगर हम अपने कुछ आइडियाज को प्रेजेंट करना चाहते थे तो हम व्हाइट बोर्ड या ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह पर प्रेजेंट करते थे। इसमें हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट करने के लिए हम एक वक्त में अपना तमाम मटेरियल नहीं लिख सकते थे। व्हाइट बोर्ड पर अपने आइडियाज लिखना काफी दिक्कत तलब काम था। ये काफी मुश्किल होता था कि हम बोर्ड पर लिखें भी और साथ साथ प्रेजेंट भी करें। ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक मसला ये था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुश्किल पेश आती थी। ट्रांसपेरेंसीज को इसके मुताबिक सेट करना पड़ता था। ट्रांसपेरेंसीज को बदलने में भी टाइम लगता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने जहां हमारी बहुत सी मुश्किलात को दूर किया है, वहां हमारे लिए ये मुश्किल भी हल कर दी है। अगर हम मार्केट में नजर दौड़ाएं, तो ऐसे बहुत से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो कि किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए एक मुफीद सॉफ्टवेयर है। आइए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप पर आपको सबसे नीचे एक बार नजर आ रही है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर आपको बाएं जानिब कॉर्नर पर ये एक बटन नजर आ रहा है, जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है या विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक आइकॉन ऑल प्रोग्राम्स के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से एक आइकॉन नजर आ रहा है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन यानी पावर पॉइंट 2010 ओपन हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस, जिसमें हम एनिमेशन, टेक्स्ट, आवाज, तस्वीर और वीडियोस को शामिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 की एनवायरनमेंट कैसी है, बैकस्टेज व्यू क्या होता है, रिबन और क्विक एक्सेस टूलबार क्या होते हैं, एक नई प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। अगर आप पावरपॉइंट से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि पावरपॉइंट 2010 के इंटरफेस में बैकस्टेज व्यू का फर्क है, जिसे हम इस लेसन में कवर करेंगे। नेविगेटिंग पावरपॉइंट टू क्रिएट ए स्लाइड प्रेजेंटेशन। पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए पावरपॉइंट आपको प्रेजेंटेशन में अल्फाज, वीडियो, बुलेट लिस्ट, तस्वीर और चार्ट शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। इन अज्जा की बदौलत आप एक अच्छी और दिलकश प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में आप एक से ज़्यादा स्लाइड शामिल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को किसी भी वक्त स्लाइड शो प्ले ऑप्शन के जरिए आप प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह आपको सबसे ऊपर टाइटल बार नजर आ रही है। इस टाइटल बार के साथ आपको चंद आइकॉन्स नजर आएंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इसमें आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है। इस एरो को क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। इस मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट वगैरह की ऑप्शन आपको नजर आएंगी। ये एक तरह से शॉर्टकट मेन्यू है,
जिसका मकसद पावरपॉइंट की कॉमन टास्क्स को परफॉर्म करना होता है। आप देखेंगे कि पावरपॉइंट की पुरानी वर्जन्स और 2010 वाले वर्जन में एक मेन फर्क ये है कि ओपन और प्रिंट जैसी कमांड्स रिबन में मौजूद होती हैं। ये इंटरफेस बैकस्टेज व्यू कहलाता है। द रिबन। रिबन में मुख्तलिफ टैब्स होते हैं। हर टैब में कमांड्स का एक ग्रुप है। कुछ टैब्स जैसे ड्राइंग टूल्स या टेबल टूल्स जैसी ऑप्शंस हमें इंसर्ट के टैब में मिलती हैं, जब हम टेबल्स या इमेजेस पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमाइज्ड टैब्स भी बना सकते हैं, जिनमें आप अपनी फेवरेट कमांड्स को ग्रुप करके ऐड कर सकते हैं। टू कस्टमाइज द रिबन, आइए आपको रिबन को कस्टमाइज्ड करने का तरीका बताते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी की कमांड्स को ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पहले से मौजूद डिफॉल्ट रिबन को भी अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। रिबन पर राइट क्लिक करें। कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करें। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। न्यू टैब पर क्लिक करें। एक नया टैब बन जाएगा जिसके अंदर नया ग्रुप भी होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि न्यू ग्रुप की ऑप्शन सिलेक्टेड है। माउस पॉइंटर के बाएं जानिब कोई एक कमांड सिलेक्ट करें और फिर ऐड की ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप कमांड्स को बराहे रास्त ड्रैग करके भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जब आप रिबन में कमांड्स को ऐड कर लें तो ओके का बटन क्लिक करें। याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की कमांड ना मिल रही हो तो चूज कमांड्स वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करके ऑल कमांड्स वाली ऑप्शन को मुंतखिब करें। टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में रिबन को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये यूजर की टास्क के लिए रिस्पॉन्सिव या डायनामिक हो, यानी ये स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सके। रिबन के ऊपर इंतहाई दाएं जानिब इस एरो को क्लिक करें। रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। अब रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसी एरो को दोबारा क्लिक करें। जब रिबन मिनिमाइज हो तो आप टैब के ऊपर क्लिक करके रिबन को शो करवा सकते हैं, और जब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। द क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन के बिल्कुल ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इस क्विक एक्सेस टूल बार में कॉमन कमांड्स होती हैं, जिनको आप किसी भी टैब में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल बार में पहले से अंडू, सेव और रिपीट की कमांड्स मौजूद होती हैं, लेकिन आप इसमें अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी की कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। टू ऐड कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के दाएं जानिब ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इन कमांड्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आपने क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल करना है। मजीद ऑप्शंस के लिए मोर कमांड्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करें। बैकस्टेज व्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में बैकस्टेज व्यू आपको फाइल ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग और शेयरिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। ये बैकस्टेज व्यू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और पावरपॉइंट के पुराने वर्जन्स की फाइल मेन्यू की तरह है। ताहम ये सिर्फ एक मेन्यू के बजाय फुल पेज व्यू है जो हमें काम के दौरान आसानी मुहैया करता है। टू गेट टू बैकस्टेज व्यू, फाइल टैब पर क्लिक करें। आप इन बाएं जाने वाली कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में वापस जाने के लिए दोबारा रिबन पर मौजूद किसी भी टैब पर क्लिक करें।
Creating and opening presentation. To create a new blank presentation. नई blank presentation बनाने के लिए. File tab को click करें. New को select करें. पहले से दस्तयाब templates और themes में से blank presentation को select करें. ये option पहले से highlighted होगी. Create पर click करें. अब आपके सामने PowerPoint window में blank presentation open हो जाएगी. To open an existing presentation. आइए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई presentation को किस तरह open करते हैं. File tab पर click करें. ये आपको backstage view में ले जाएगा. अगर आपने हालिया बनाई हुई presentation को open करना हो तो इसे recent वाले file tab से open करें. ओपन को सिलेक्ट करें. एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब जो प्रेजेंटेशन आपने ओपन करनी है इसे सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें. कंपैटिबिलिटी मोड. बाज़ुकात आपको ऐसी प्रेजेंटेशंस में काम करना पड़ सकता है जो पावर पॉइंट की पुरानी वर्जन्स में बनी हो, मसलन पावर पॉइंट 2003 या पावर पॉइंट 2000 वगैरह. इस किस्म की प्रेजेंटेशंस सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड के जरिए ओपन हो सकती हैं. कंपैटिबिलिटी मोड उन तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और बेसिक फीचर्स को इनेबल कर देता है जो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन खोली है जो पावर पॉइंट 2003 में बनी है तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर पाएंगे जो पावर पॉइंट 2003 में हैं. ये देखें, हमने एक प्रेजेंटेशन को कंपैटिबिलिटी मोड में खोला हुआ है. आप देख सकते हैं कि कई नई ट्रांजिशंस इस वक्त डिसेबल हैं और सिर्फ 2003 वाली ट्रांजिशंस दस्तयाब हैं. इस कंपैटिबिलिटी मोड से निकलने के लिए जरूरी है कि आप प्रेजेंटेशन को मौजूदा वर्जन्स में सेव करें, क्योंकि अगर आप ऐसी एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन्स में काम करते हैं तो ये सबसे बेहतर है कि आप प्रेजेंटेशन को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन फाइल तब्दील ना हो और प्रेजेंटेशन तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें. टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन, फाइल टैब पर क्लिक करें और बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करें. सेव एज कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें. आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा. लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है. फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें. सेव एज टाइप में से पावरपॉइंट 97 टू 2003 को क्लिक करें. आपकी प्रेजेंटेशन नई फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी. स्लाइड बेसिक्स. इस लेसन में आप जान जाएंगे कि किस तरह आपने नई स्लाइड्स को ऐड करना है, प्रेजेंटेशन लेआउट को कैसे तब्दील करना है, किसी प्रेजेंटेशन में पहले से मौजूद स्लाइड्स को किस तरह अरेंज करना है, स्लाइड व्यू को कैसे तब्दील करना है और स्लाइड्स में नोट्स किस तरह ऐड करने हैं. पावरपॉइंट स्लाइड्स में टेक्स्ट लिखने के लिए प्लेसहोल्डर्स होते हैं. प्लेसहोल्डर्स वो इनपुट एरिया है जो हमें स्लाइड पर डॉटेड बॉर्डर की सूरत में नजर आता है. इन प्लेसहोल्डर्स में हम मुख्तलिफ आइटम्स मसलन पिक्चर्स, टेक्स्ट और चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं. अबाउट स्लाइड लेआउट्स. पावरपॉइंट स्लाइड्स में प्लेसहोल्डर मुख्तलिफ लेआउट्स में अरेंज होते हैं जिनका इंतखाब आप पहले से बनी हुई स्लाइड्स पर या नई स्लाइड बनाते वक्त कर सकते हैं. स्लाइड लेआउट की बदौलत आप अपने कंटेंट को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं. इस दी गई मिसाल में जो लेआउट इस्तेमाल किया गया है वो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट कहलाता है और इसमें टाइटल एंड कंटेंट किस्म के प्लेसहोल्डर्स
का इस्तेमाल किया गया है। हर लेआउट का नाम उसकी किस्म के मुताबिक होता है, इसीलिए आप एक प्लेसहोल्डर की तस्वीर देखकर जान जाएंगे कि कौन सा प्लेसहोल्डर किस लेआउट में अरेंज होगा। कस्टमाइजिंग स्लाइड लेआउट। किसी एग्जिस्टिंग या पहले से बनी हुई स्लाइड का लेआउट तब्दील करने के लिए सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसका लेआउट आप तब्दील करना चाहते हैं। अब होम टैब में लेआउट कमांड को क्लिक करें। आपके सामने स्लाइड्स के मुख्तलिफ लेआउट्स आ गए हैं। अब इस मेन्यू में से अपनी मर्जी का लेआउट पसंद करें और ये देखें स्लाइड आपके मुंतखब करदा लेआउट के मुताबिक तब्दील हो गई है। गैर जरूरी और एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर्स को डिलीट करके आप बड़ी आसानी से अपने लेआउट को कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। माउस को उस प्लेस होल्डर के बॉर्डर पर बनी डॉटेड लाइन पर ले जाएं। ये देखें माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह क्रॉस एरोज हो जाएगी। बॉर्डर पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें। अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस या डिलीट को प्रेस करें। प्लेसहोल्डर स्लाइड पर से रिमूव हो जाएगा। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना। टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में इंसर्ट करके आप स्लाइड्स में टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसका तरीका कुछ यूं है। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स की कमांड को सिलेक्ट करें। आपके कर्सर की शक्ल कुछ यूं तब्दील हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स को माउस की मदद से क्लिक करें और माउस पॉइंटर को स्लाइड में किसी भी जगह पर क्लिक करें तो आपको टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स मिल जाएगा। टू यूज ए ब्लैंक स्लाइड। अपने कंटेंट पर मजीद कंट्रोल या इसको कस्टमाइज्ड करने के लिए आप ब्लैंक स्लाइड को तरजीह दें, यानी ऐसी स्लाइड जिस पर कोई प्लेस होल्डर न लगा हो। लेआउट के मेन्यू में से ब्लैंक स्लाइड की ऑप्शन सिलेक्ट करें। वर्किंग विद स्लाइड्स। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होम टैब पर न्यू स्लाइड की कमांड पर क्लिक करें तो एक स्लाइड लेआउट ऑप्शंस का मेन्यू ओपन हो जाएगा। जो स्लाइड लेआउट आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। एक नई स्लाइड का आपकी प्रेजेंटेशन में इजाफा हो जाएगा। एक स्लाइड को इंस्टेंटली ऐड करने के लिए आप सिर्फ न्यू स्लाइड की कमांड पर क्लिक करें। ऐसा करने से उसी लेआउट की स्लाइड आएगी जिस लेआउट पर आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, इसलिए आप सिर्फ न्यू स्लाइड कमांड के टॉप हाफ पर क्लिक करें। To copy and paste a slide. Slide copy और paste करने के लिए slides pane पर वो slide select करें जिसे आपने copy करना हो। Home tab पर copy command पर click करें। यही काम आप selected slide पर right click से भी कर सकते हैं। इस slide pane पर click करें। Slide के बिल्कुल नीचे या दो slides के दरमियान जहां आपने कॉपी की हुई स्लाइड को पेस्ट करना है, आप देखेंगे कि दो स्लाइड्स के दरमियान उफकी या हॉरिजॉन्टल इंसर्शन लाइन जाहिर हो जाएगी। अब होम टैब पर पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। यही काम आप उस हॉरिजॉन्टल इंसर्शन लाइन पर राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। एक से ज्यादा स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें और स्लाइड्स को सिलेक्ट करें। टू डुप्लीकेट अ स्लाइड। कॉपी और पेस्ट की बजाय आप इसके मुतबादल तरीके से भी स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेटिंग स्लाइड्स के जरिए आप अपनी स्लाइड्स को कॉपी कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेप में, लेकिन इस तरीके में आप स्लाइड की लोकेशन नहीं सिलेक्ट कर सकते कि किस स्लाइड के बाद ये स्लाइड पेस्ट होगी। अलबत्ता कॉपी होने के बाद ड्रैग करके मतलूबा जगह पर लाया जा सकता है। जिस स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो उसे सिलेक्ट करें। न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। इस मेन्यू में नीचे
डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक करें। सिलेक्ट की गई स्लाइड की एक डुप्लीकेटेड स्लाइड आ जाएगी। टू डिलीट अ स्लाइड, जिस स्लाइड को डिलीट करना हो उसे सिलेक्ट करें। डिलीट या कीबोर्ड से बैकस्पेस को प्रेस करें। टू मूव अ स्लाइड, जिस स्लाइड को आपने मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें। उस स्लाइड को माउस से होल्ड करते हुए ड्रैग करें और वहां ले जाएं जहां आपने वो स्लाइड मूव करनी है। यहां भी उसी तरह एक हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट नजर आएगा। माउस को रिलीज करें तो स्लाइड उस जगह मूव हो जाएगी। मैनेजिंग स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशंस। अबाउट स्लाइड व्यूज, ये बहुत जरूरी है कि आपको मुख्तलिफ स्लाइड व्यूज और उनका इस्तेमाल आना चाहिए। पावर पॉइंट की विंडो में नीचे दाएं जानिब आपको स्लाइड व्यू कमांड्स नजर आएंगी। नॉर्मल व्यू, ये वो व्यू है जिसमें आप नॉर्मल स्लाइड्स को एडिट कर रहे होते हैं। आप स्लाइड्स को स्लाइड टैब में मूव भी कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इस व्यू में मिनिएचर स्लाइड्स या स्लाइड टैब में छोटी स्लाइड्स को अरेंज किया जाता है। इस व्यू में आप स्लाइड्स को रीऑर्डर और उनको अपनी मर्जी से एक ही वक्त में अरेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छा व्यू है क्योंकि इस व्यू में आप पर यह वाजे हो जाता है कि प्रेजेंटेशन में तमाम स्लाइड्स अपनी जगह है और कोई स्लाइड डिलीट या मिस नहीं हो रही, या कोई ऐसी स्लाइड तो नहीं आ रही जो हमने डिलीट कर दी हो। रीडिंग व्यू, इस व्यू में हमें कंप्यूटर की ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटेशन में मौजूद स्लाइड्स का बेहतर प्रीव्यू मिलता है। इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग दो बहुत अहम फीचर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप स्लाइड पर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट की अपीयरेंस को तब्दील कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल लिस्ट को बनाने के अलावा इंडेंटेशन के जरिए हम पैराग्राफ को विजुअली सेट कर सकते हैं। इस लेसन में आप सीखेंगे कि टेक्स्ट की किस तरह इंडेंटिंग और लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं। जब आप किसी पैराग्राफ की इंडेंटिंग करते हैं तो उसकी पहली लाइन की इंडेंटिंग पैराग्राफ की बाकी लाइनों से मुख्तलिफ करते हैं, और जब आप टेक्स्ट के साथ बुलेट्स और नंबर्स देते हैं तो इस वक्त इंडेंटिंग लेवल मुख्तलिफ होगा। इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। इसी तरह लाइन स्पेसिंग से भी आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को बदल सकते हैं। टू इंडेंट यूजिंग द टैब की, इंडेंटिंग का एक आसान तरीका कीबोर्ड से टैब की का इस्तेमाल है। यानी आप टैब की से भी इंडेंटिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मल पैराग्राफ में सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन को ही इंडेंट किया जाता है, लेकिन नंबर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट की इंडेंटिंग इस तरह की जाती है। इंसर्शन पॉइंट को पैराग्राफ की पहली लाइन के शुरू में रखें। टैब की को प्रेस करें। आप देखेंगे कि पैराग्राफ इंडेंट हो गया। टू यूज द इंडेंट कमांड्स, अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की तमाम लाइनें ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाएं, तो आप होम टैब में मौजूद इंडेंट कीज के जरिए ये काम कर सकते हैं। लिस्ट्स के लिए इंडेंट कमांड इसी तरह काम करेगी जिस तरह टैब की से इंडेंटिंग करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। होम टैब पर जाकर इंक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें या डिक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें। आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट नई इंडेंट सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएगा। जब आप किसी ऐसे बुलेटेड टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मजीद इंडेंट करते हैं तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। इस तरह की मल्टी लेवल लिस्ट किसी प्रोजेक्ट की आउटलाइन या तंजीमी ढांचे को शो करने के लिए ज्यादा मददगार होती हैं। इस मकसद के लिए बेहतर होता है कि आप मुख्तलिफ स्टाइल की बुलेट्स इस्तेमाल करें।
फाइन ट्यूनिंग इन डेंट्स। बाज़ औकात प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे दर्जे और मल्टी लेवल किस्म की इंडेंटिंग की जरूरत होती है। इस मकसद के लिए पावर पॉइंट में इंडेंट मार्कर्स का इस्तेमाल आपकी प्रेजेंटेशन की इंडेंटिंग को ज्यादा मुअस्सर बना सकता है। ये मार्कर्स इंडेंट आपको रूलर पर मौजूद टैब स्टॉप्स पर मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट रूलर हिडन होता है, इसलिए पहले आपको रूलर शो करवाना होगा। रूलर शो करने के लिए व्यू टैब को सिलेक्ट करें। रूलर के चेक बॉक्स को क्लिक करें। इस चेक बॉक्स से रूलर शो या हाइड होता है। कस्टमाइजिंग बुलेट स्पेसिंग। जब लिस्ट्स पर काम कर रहे हो तो पावर पॉइंट आपको बुलेट और टेक्स्ट में स्पेस को एडजस्ट करने की ऑप्शन देता है। ये एडजस्टमेंट आप फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर या हैंगिंग इंडेंट मार्कर के जरिए कर सकते हैं। टू चेंज बुलेट स्पेसिंग, लाइंस को सिलेक्ट करें। रूलर के ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए राइट टू लेफ्ट लेकर जाएं। इस तरह आप हैंगिंग इंडेंट मार्कर को टेक्स्ट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट्स को मूव किए बगैर। लाइन स्पेसिंग। पावर पॉइंट में आप पैराग्राफ की लाइनों के माबेन फासला भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आप अपनी स्लाइड्स में ज्यादा लाइंस ऐड करने के लिए लाइन स्पेसिंग को रिड्यूस या कम करके मजीद टेक्स्ट का इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह आप रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग को ज्यादा भी कर सकते हैं। टू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग। जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो उसको सिलेक्ट करें। होम टैब पर मौजूद पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग कमांड को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपनी पसंद या जरूरत के मुताबिक लाइन स्पेसिंग को सिलेक्ट करें। अगर आप मजीद बारीकी या प्रिसीजन से लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप पैराग्राफ स्पेसिंग की फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये वो स्पेसिंग है जो हर पैराग्राफ के शुरू और आखिर की लाइन स्पेसिंग होती है। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आएंगी, जिनमें बुलेट्स एंड नंबरिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कॉलम्स और कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स वगैरह हैं। प्रेजेंटेशन नोट्स फॉर प्रेजेंटर। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में प्रेजेंटर के लिए नोट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। इसके लिए आपको स्लाइड पैन के नीचे एक और पैन नजर आ रहा है जहां पर क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो जगह ब्लैंक हो जाती है। इस जगह हम वो नोट्स लिख सकते हैं जो कि प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देते हुए इस्तेमाल कर सकता है। नंबर द स्लाइड्स। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को नंबर किस तरह लगाते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हमें स्लाइड नंबर की कमांड नजर आ रही है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमें दो टैब्स स्लाइड और नोट्स एंड हैंडआउट्स के नाम से नजर आ रहे हैं। इसमें से हम स्लाइड के टैब पर क्लिक करते हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, मसलन डेट एंड टाइम, फुटर, स्लाइड नंबर वगैरह। और इनके शुरू में एक बॉक्स भी है, इसमें हमें स्लाइड नंबर वाले बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे ही हम स्लाइड नंबर पर क्लिक करते हैं तो इस बॉक्स में एक टिक मार्क आ जाता है। इसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अप्लाई के बटन पर क्लिक किया है हमारी स्लाइड पर नंबर लग गया है।
इस तरह हम मुख्तलिफ स्लाइड्स को नंबर्स लगा सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में इस ऑप्शन के जरिए आप टेक्स्ट को लेफ्ट राइट और अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये अलाइनमेंट सेंटर पर सेट होती है। ये देखें, हम प्लेस होल्डर में मौजूद टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखें तो वो हमें सेंटर अलाइन नजर आता है। अब जब हम लेफ्ट अलाइन करें तो टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, राइट अलाइन से टेक्स्ट दाएं जानिब मूव कर जाएगा और जस्टिफाई से प्लेस होल्डर में लिखा गया टेक्स्ट उस प्लेस होल्डर की मुकर्रर करदा स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जस्टिफाई की ऑप्शन उस वक्त काम आती है जब स्लाइड में टेक्स्ट ज्यादा हो। कॉलम्स की ऑप्शन के जरिए हम स्लाइड में कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स की ऑप्शन के जरिए हम टेक्स्ट को ग्राफिकल फॉर्म में तब्दील करके अपनी स्लाइड्स को मजीद जाज़िबे नज़र बना सकते हैं। ये देखें, एक सादा तरीके से लिखा गया टेक्स्ट कितनी खूबसूरत और मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील हो रहा है। अप्लाइंग अ थीम। थीम एक बाय डिफॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ फॉन्ट्स, इफेक्ट्स और सेटिंग्स का मजमुआ है। पावर पॉइंट में भी कई थीम्स आपको मिलेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलुक को तब्दील कर सकते हैं। इस लेसन में हम थीम्स और उनको अप्लाई करने के बारे में सीखेंगे। असल में जब आप पावर पॉइंट को खोलते हैं तो भी आप पहले से तयशुदा थीम पर ही काम कर रहे होते हैं। ये देखें, ये पावर पॉइंट का पहले से मुकर्रर करदा थीम है जिसमें बैकग्राउंड सफेद, फॉन्ट कैलिब्री और काले रंग का टेक्स्ट सेट है। थीम्स को किसी भी वक्त अपनी जरूरत के मुताबिक तब्दील या अप्लाई किया जा सकता है। थीम एलिमेंट्स। थीम के अनासिर या हिस्से। पावर पॉइंट का हर थीम बशमूल डिफॉल्ट थीम के मुख्तलिफ अनासिर पर मुश्तमिल होता है। वो ये हैं: थीम का रंग, थीम फॉन्ट्स, शेप स्टाइल्स। Why use theme elements? हम थीम के अनासिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप थीम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत और जाज़बे नज़र बन जाएगी। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन पर कम वक्त में ज्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। जब आप थीम तब्दील करें तो तमाम एलिमेंट्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे और उसी थीम के मुताबिक सेट हो जाएंगे। यूं आप चंद क्लिक्स की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन की लुक चेंज कर लेते हैं। याद रखें, प्रेजेंटेशन के रंग और टेक्स्ट के फॉन्ट्स तभी तब्दील या अपडेट होंगे जब आप थीम के डिफॉल्ट कलर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कलर या फॉन्ट इस्तेमाल करें तो आपका कलर या टेक्स्ट तब्दील नहीं होगा। ये उस वक्त फायदेमंद होगा जब आप लोगो या कोई टाइटल बना रहे हों जिनको अमूमन तब्दील नहीं किया जाता। थीम के तब्दील होने का असर स्लाइड लेआउट पर भी पड़ता है। अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कोई थीम मुंतखिब करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस मुंतखिब करदा थीम में रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने के बाद थीम तब्दील करते हैं तो चूंकि आपका टेक्स्ट, प्लेस होल्डर्स और तस्वीर की फॉर्मेटिंग बदल जाएगी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन या तरमीम करनी पड़े। अप्लाइंग थीम्स। डिजाइन टैब में जाएं। थीम ग्रुप को तलाश करें। हर इमेज एक थीम की नुमाइंदगी करता है। यहां मौजूद ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें, आपको मजीद थीम ऑप्शन नजर आएंगी। अपने माउस पॉइंटर को किसी भी थीम के ऊपर लेकर जाएं तो आपको उस थीम का लाइव प्रीव्यू अपनी प्रेजेंटेशन में नजर आएगा। यहां आपको इस थीम का नाम भी नजर आ रहा है।
अब इस थीम पर क्लिक करें। आपका मुंतखब करदा थीम आपकी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो गया है। इंसर्टिंग इमेजेस। प्रेजेंटेशन में तस्वीर ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव हो सकती है। तस्वीर, क्लिप आर्ट और स्क्रीनशॉट्स अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन देखने वालों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है। इस लेसन में आप सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में तस्वीर, स्क्रीनशॉट, क्लिप आर्ट और वीडियो किस तरह लगा सकते हैं। टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, इंसर्ट टैब को मुंतखब करें। पिक्चर कमांड पर क्लिक करें। अपने पसंदीदा इमेज का इंतखाब करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। मुंतखब करदा पिक्चर आपकी स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह आप किसी फाइल में से भी कोई तस्वीर मुंतखब करके अपनी प्रेजेंटेशन के प्लेस होल्डर में लगा सकते हैं। टू लोकेट क्लिप आर्ट, इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करें। इमेजेस के ग्रुप में क्लिप आर्ट को क्लिक करें। क्लिप आर्ट की ऑप्शंस आपके डॉक्यूमेंट के दाएं जानिब जाहिर हो जाएंगी। कीवर्ड या अपना मतलूबा लफ्ज सर्च के टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें, यानी उस मुतालिका फील्ड से मुताबिक इमेज को सर्च करें जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अब ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें जहां आपके सर्च करदा रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अब इन रिजल्ट्स में से आपको जो मीडिया नहीं चाहिए उसको डीसेलेक्ट कर दें। अगर आप office.com के क्लिप आर्ट को भी अपनी सर्च का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इंक्लूड office.com के मार्क को चेक करें, वरना यह आपको सिर्फ आपके कंप्यूटर में से सर्च करके देगा। गो पर क्लिक करें। टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट के पैन पर अपने सर्च किए गए क्लिप आर्ट्स को रिव्यू करें। अपने मतलूबा इमेज को सिलेक्ट करें। मुंतखब करदा क्लिप आर्ट आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी फाइल में से भी क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यूज ए स्लाइड मास्टर। अब हम आपको बताते हैं कि एक स्लाइड मास्टर को किस तरह बनाते हैं। इसके लिए हम व्यू के टैब पर क्लिक करते हैं। व्यू के टैब में आपको स्लाइड मास्टर के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने मास्टर स्लाइड आ जाती है। मास्टर स्लाइड में हम अपनी तमाम स्लाइड्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, यानी हर स्लाइड का टाइटल किस तरह का हो, इसमें बुलेट्स या नंबरिंग का स्टाइल किस तरह का हो, या हर स्लाइड का बैकग्राउंड किस तरह का हो। हम जो भी टाइटल, बैकग्राउंड, बुलेट्स एंड नंबरिंग का स्टाइल और स्लाइड के दूसरे कंटेंट्स स्लाइड मास्टर में रखेंगे, वही हमारी बाकी तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएंगे। मसलन हम इसमें टाइटल को बोल्ड करते हैं और इसका कलर ब्लू कर देते हैं। और इसके बाद रिबन में मौजूद क्लोज मास्टर व्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। इस बटन पर क्लिक करने से स्लाइड मास्टर का व्यू खत्म हो जाता है। गौर करें कि आपके सामने जो स्लाइड है इसका टाइटल इसी कलर यानी ब्लू में है जो कि हमने स्लाइड मास्टर में किया था। अब हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। ये देखिए, इसके टाइटल का कलर भी ब्लू ही है। ये इस वजह से है क्योंकि हमने स्लाइड मास्टर के टाइटल का कलर ब्लू किया हुआ है जो कि तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो गया है। यानी स्लाइड मास्टर के जरिए हमें ये काम हर बार नहीं करना पड़ता, बल्कि एक ही बार हम इसको सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम स्लाइड मास्टर के जरिए बाकी तमाम स्लाइड्स के कंटेंट्स को सेट कर सकते हैं।